और चलिए छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि चांद नाका के पास शारदा चौक में राम कुमार मंडरा के मकान में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। पुलिस ने राम कुमार मंडरा के मकान में दबिश देकर 145 लीटर लाल व सफेद मसाला शराब के लगभग 125 पाव बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपये आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विवेचना कर रही है। TI कोतवाली के अनुसार छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने जिला पुलिस को निर्देशित किया है कि असामाजिक तत्वों और अवैध गतिविधियों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा बीते एक सप्ताह में यह चौथी बड़ी कार्रवाई की गई है। तो एक बार फिर छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आज कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि चांद नाका के पास शारदा चौक है, वहाँ पे राम कुमार मंडरा नामक व्यक्ति की यहाँ भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखे हुए है। सूचना पर विधिवत कार्रवाई की गई और दबिश दी गई, जिसमें कुल लगभग 145 लीटर देसी मदरा प्लेन लाल मसाला और सफ़ेद दोनों तरह का है। उसमें क्वार्टर लगभग 725 क्वार्टर के आसपास से बरामद हुआ है, जो कीमत में कुल लगभग 60,000 होता है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यही साहब, ये लगभग पिछले एक हफ्ते के अंदर पुलिस छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी ये चौथी कार्रवाई है, क्या पुलिस कोई एक अभियान चला रही है इस तरह के सामाजिक तत्वों के खिलाफ? अभी ये लगभग सतत की जाने वाली कार्रवाई है। जिले में पुलिस कप्तान महोदय के निर्देशन में इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई संपूर्ण जिले में लगातार जारी है और अलग अलग प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशित किया जाता रहता है कार्रवाई करने का। उसी का ये परिणाम है कि आज हमें ये बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।